मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ, उस काम में लगा हूँ। अब इसमें आपको जो सवाल आएगा कि जूस सवेरे क्यों पी, शाम को क्यों नहीं पी सकते, लट्ठा मट्ठा या लस्सी दोपहर को क्यों पीना, रात को क्यों नहीं पी सकते, और दूध रात को ही क्यों पीना, शाम को ही क्यों पीना, दिन में क्यों नहीं पी सकते। बात ऐसी है कि हमारा जो शरीर है ना, ये बहुत व्यवस्थित है, बहुत व्यवस्थित है। इसकी व्यवस्था भगवान की बनाई हुई, ईश्वर की बनाई हुई, वो हमारे आप की बनाई हुई। इसकी व्यवस्था क्या है कि इस शरीर में भोजन को पचाने के लिए अलग अलग तरह के रसों की जरूरत पड़ती है, जिनको आधुनिक विज्ञान में हम एंजाइम्स कहते हैं। दूध को पचाने के लिए कुछ खास तरह के एंजाइम्स होने चाहिए, दही को पचाने के लिए कुछ खास तरह के एंजाइम्स चाहिए, और जूस को पचाने के लिए कुछ खास तरह के एंजाइम्स चाहिए। ये तीनों हमें चाहिए शरीर में। अब दूध को पचाने वाले जो एंजाइम्स हैं वो शाम को ही सबसे ज्यादा होते हैं पेट में, शाम को जब सूरज ढलना शुरू होता है और अस्त होने तक सबसे ज्यादा एंजाइम्स पेट में जठर में होते हैं, दूध को पचाने वाले। दोपहर जब सूरज एकदम तमतमाता हुआ होता है तीव्रता में, तो एंजाइम्स होते हैं दही और लस्सी को पचाने वाले। और सुबह के समय जब हम सोकर उठते हैं और सूर्योदय हो चुका होता है, उस समय एंजाइम्स होते हैं जूस को पचाने वाले, फल को पचाने वाले। तो बागवती जी का ये कहना है या शास्त्रियों का ये कहना है, शास्त्रियों का ये कहना है, सभी का ये कहना है, बागवती जी अकेडमी आयुर्वेद सभी विशेषज्ञ ये कहते हैं कि जब जिस चीज को पचाने वाले एंजाइम्स हो उस समय वो चीज को खाएंगे और पिएंगे तो उसका एक एक कतरा एक एक बूंद शरीर के काम आएगा। सवेरे जब जूस को पचाने वाले एंजाइम्स आपके शरीर में है तो सवेरे जूस पिएंगे तो जूस की एक एक बूंद आपको पचेगी चीज से। ऐसे दोपहर को दही और मट्ठे के एंजाइम्स हैं तो मट्ठे का एक एक बूंद शरीर के काम आएगा, और ऐसे ही दूध वाले एंजाइम्स जो है तो दूध की एक एक बूंद काम आएगी। तो कहा गया है शास्त्रों में कि जब जिस वस्तु को पचाने वाली पाचक शरीर में हो उसी समय उस वस्तु को खाना और पीना हमारे लिए सबसे अच्छा है। तो जूस वाले एंजाइम्स सवेरे जूस पिए, जूस नहीं पी सकते तो सुबह फल खाएं, फल खाने का सबसे अच्छा समय सवेरे बताया गया है, जूस पीने का भी सबसे अच्छा समय सवेरे बताया गया है, दूध पीने का समय शाम को बताया गया है, दही और लस्सी का दूध। हमारे जो गुरु रहे हैं श्री धर्मपाल जी, वो बार बार मुझे एक बात कहते थे कि जिस ज्ञान को जीवन भर इस्तेमाल करना हो उसको दोहराते रहना चाहिए।